हेलो भाइयों, एके हेयर केयर शॉप। सब लोग उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो विजय मेरे ने न्यू जो इंस्टाग्राम पे अपलोड किया था कॉन्सेप्ट, कोई हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं था, बहुत ही इजी था और बहुत ही आसान था। मतलब फ़ोटो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव थी, जैसी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है। बस इसी वजह से हमने बोला कि भाई ज़रूरत बनती है इस ट्यूटोरियल की, ये इंस्टाग्राम पर फ़ोटो लगेगी, आप एडिट करके लगाओगे तो बहुत ही तबाही लगेगी, इस वजह से ट्यूटोरियल आपके सामने ले आए। तो आपको वीडियो अच्छी लगती है तो भाई एक काम लाजमी कर लेना भाई, वीडियो अच्छी लगती है तो आपने वीडियो को करना है एंड तक वॉच। भाई नहीं करते आप लोग वीडियो को एंड तक वॉच और बीच में करके भाग जाते हो, भाई ऐसे समझ कैसे आएगा। वीडियो को बिल्कुल एंड तक वॉच करना और इंस्टाग्राम पे एके भाई को लाजमी फॉलो कर लेना। हम चलते हैं वीडियो की तरफ। तो बहुत ही बेहतरीन फोटो लग रही है। सबसे पहले पोज, तो पोज आपको जैसा नजर आ रही है भाई वैसा खिंचवा लेना है। तो पोज की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी, डाउनलोड कर लेना। याद रखना है कि ब्लैक जोड़े में या ब्लैक कलर की शर्ट पहन लेना है और कपड़े पहन लेना और बाकी सब चीज़ें नोट कर लेना। तो बैकग्राउंड मतलब पोज जो है वो आपने क्लिक करवा लिया है। पोज क्लिक करवाने के बाद जो बैकग्राउंड है उसको हम खोलेंगे पिक्सआर्ट में। सर बैकग्राउंड हमारा पिक्सआर्ट के अंदर खुल चुका है। तो भैया आप लोगों की जो चल रही है बहुत ज़्यादा चल रही है भाई, सब्र कर जाओ। मतलब क्या कमेंट पे कमेंट, ऊपर से इंस्टाग्राम पे मैसेज पे मैसेज, भाई गूगल ड्राइव, भाई क्या पता है, बिल्कुल परवाह है मुझे, बिल्कुल मैं बिल्कुल आप लोगों से ज़्यादा सोचता हूँ। तो चल रहा है मामला, इंशाल्लाह उम्मीद है जल्दी हो जाएगा। बस गूगल ड्राइव का सीन आपके लिए बिल्कुल आसानी हो जाएगी फिर। तो बैकग्राउंड वगैरह के लिंक आपको नीचे मिल जाएगी, डाउनलोड कर लेना है। अब हमने पिक्सआर्ट में खोल लिया इसको। पिक्सआर्ट में खोलने के बाद आगे आएंगे, सिंपल ऐड फोटो में जाएंगे और जो पोज है उसको कर लेंगे हम ऐड। भाई ये आ गई हमारी फोटो। इस फोटो का कर लिया मैंने बैकग्राउंड पहले से इरेज। अगर करने नहीं आता आपको बैकग्राउंड इरेजर मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक, वहाँ से जाकर आपने कर लेना है, वीडियो वॉच कर लेने के कैसे करते हैं बैकग्राउंड को इरेज। अब गौर से देखना आपने स्टेप क्या करना है। आपने करना है बिल्कुल अपने मॉडल को बड़ा, पोज जो है आपने बिल्कुल करीब से खिंचवाना है। मतलब ऐसा पोज क्लिक किया हुआ था तो आपने बिल्कुल करीब से खिंचवाना है, ये चीज़ें आप नोट कर लिया करो। उसके बाद आपने करना है इसको बड़ा, कितना बड़ा करना है जैसे मैं बड़ा कर रहा हूँ सिंपल। इतना बड़ा कर देने के बाद आपने यहाँ से बिल्कुल इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर देना है यूँ, मतलब ऊपर से कर देने के बाद यूँ, क्योंकि हम पर कैप लगाएंगे साहिब, और कैप लगाएंगे तो भाई साहब कैप ऐसे नहीं लगेगा बिल्कुल। कैप अगर आपका क्या कहते हैं स्किन थोड़ी सी टेढ़ी होगी तब जाके आपका कैप लग पाएगा। तो हमने यहां पे इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया है। उसके बाद सिंपली थोड़ा सा यूं कर देते हैं और यहां पे हम इसको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं। के बाद आपको आपके दिमाग में रहे बात जो है कि आपका जो ये सर होगा ना, सर के बाल जो होंगे वो आपने बिल्कुल ऊपर तक, मतलब फोटो के जहाँ तक एंड हो रहा है वहाँ तक सर के बालों को आपने लगाना होगा। ठीक है साहिब, ऐसे लगा दोगे तो आपको कैप लगाने में, जब हम बाद में कैप लगाएंगे तो बिल्कुल आसानी होगी। सब कुछ काम यहाँ पर मॉडल के ऐड करने का ही है। अगर मॉडल आप अच्छे तरीके से ऐड कर लोगे तो आपकी सब चीज़ें ओके हो जाएंगी। तो साहब देख लो मॉडल यहाँ पर हमारा ऐड हो गया, देख लो कैसे ऐड हुआ है, गौर से बिल्कुल देख लो आप। बिल्कुल जो ऊपर के बाल हैं वो बिल्कुल ऊपर की तरफ लगेंगे फोटो तक। ठीक है, अब कर दो आप डन। ऐड होने के बाद, डन कर देने के बाद मैं आपको दूंगा हेड की पीएनजी, वो आप ऐड फोटो से कर लोगे ऐड। हेड है या कैप है जो भी है इसकी पीएनजी आपको मिल जाएगी। अब आपने करना है इसको मतलब सर पे लगाना है। अब कैसे लगाओगे भाई, सबसे बड़ी बात आती है फोटो को मिलाना है। आपने अगर फर्स्ट फोटो हमारी देखोगी तो भाई बिल्कुल वो मिल रही थी, तो आपने कुछ भी नहीं करना होगा, सिंपल यहाँ पर इसको करना होगा बड़ा। ठीक है, बड़ा कर देने के बाद एक्सेट्रा, ये जो आपका कान होगा कान के बिल्कुल पास आप इसको यहाँ पर ले आना, बिल्कुल कान के नीचे की तरफ इसको आपने यूँ रख देना है, बिल्कुल कान से थोड़ा सा ऊपर इस कैप को। और उसके बाद आपने बिल्कुल, बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है अभी, फेक लग रही है फोटो, तो आप इसको थोड़ा सा छोटा करोगे, थोड़ा सा यहाँ से यूँ करोगे, बिल्कुल देखो जैसे मैं कर रहा हूँ। आप अगर ऐसी चीज़ें कर लेते हो तो आपकी मतलब बिल्कुल ये ऐसा लगेगा कैप आपने सर पे पहना हुआ है। ठीक है, और इसको थोड़ा सा बिल्कुल छोटा कर दो, बिल्कुल थोड़ा सा छोटा। तो आप अगर अब नोट करो तो देखो आपके सामने ऐसा लग रहा है कि इसने कैप पहना हुआ है विदाउट, और उसके अलावा देख लो मतलब कितने बढ़िया तरीके से आप डन कर दोगे। कैप आपके सामने बिल्कुल पहना हुआ लग रहा है, फेक नहीं लग रहा। तो कैप आ गया, उसके बाद मैं आपको एक आंखों के अंडे की पीएनजी दूंगा, उसको आपने दो दफ़ा कर लेना ऐड। अभी आ गए आंखों की अंडी की पीएनजी, जिसको कर लिया हमने दो दफ़ा एंड। अब करना है हमने क्या काम, आंखों के अंडे को बिठाना है दूसरी आंखों के अंडों के ऊपर। तो सिंपली आप क्या करोगे, ऑपोजिट को डाउन कर दोगे और इस अंडे को करोगे छोटा। छोटा कर देने के बाद बिल्कुल छोटा कर दोगे, ऑपोजिट को थोड़ा सा बढ़ा लोगे, और जहाँ पर आपकी वो वाली आंख का अंडा है उस अंडे पर आपने इस वाली आंख के अंडे को बिठाना है। तो यहाँ पर हम पहले बिठा देते हैं, तो जब ये बैठ जाएगा थोड़ा सा इसको हम कर देंगे फिर बड़ा। ठीक है, देखो लो गौर से मैं एक करूँगा और दूसरा नहीं बताऊँगा, दूसरा मैं जल्दी से कर दूँगा। तो जब बैठ जाएगा इतना बड़ा कर देने के बाद आपने जाना होगा रेजर में। रेजर में जाने के बाद आपने क्या करना होगा, यहाँ पर जो ऊपर आपकी क्या कहते हैं ये पलकों के पास जो पार्ट आ रहा होगा उसको आपने कर देना होगा साहिब इरेज, जैसे मैंने इरेज कर दिया। ठीक है, इरेज कर देने के बाद आपके सामने बहुत ही बढ़िया लुक आ जाएगा। आप इरेज अगर कर दोगे ना ऊपर से तो बिल्कुल आपके सामने, अगर आप नोट करो तो ऐसा लग रहा है कि मतलब बिल्कुल ये इसकी असलियत, मतलब कुछ ना कुछ बहुत ही टाइट लग रहा है। तो आप डन कर दोगे, ऐसे ही सेकंड को भी आपने करना है। तो मैं जल्दी से सेकंड को करके फिर बताता हूँ आगे क्या वर्क करना है।
पर मैंने सेकंड को भी लगा दिया है। अब मैं बताता हूँ आपने दोनों के ऑपोजिट को क्या रखना होगा। तो फर्स्ट वाली की ऑपोजिट को आपने रखना होगा यहाँ पर 43%, ठीक है, और सेकंड वाली की ऑपोजिट को आपने रखना होगा यहाँ पर 48%, ठीक है साहब। तो दोनों की ऑपोजिट भी लग चुकी है और आप कर दोगे डन। आपने यही काम करना था भाई साहब पिक्सार्ट में, और आपकी फ़ोटो में एक बहुत ही अच्छे तरीके से लुक आ गया, और कोई ज़्यादा काम आई थिंक नहीं था, और बहुत ही आसान तरीके से आप ये कर भी लोगे और आपकी फ़ोटो बिल्कुल एक शेखो वाले स्टाइल की तरह बन भी जाएगी। फिर आप कर लोगे 3 डॉट से पिक को सेव, और इस फोटो को जो असल मतलब कलर ग्रेडिंग करनी और जो फोटो को मैच करना है और जो हमें अच्छा लुक देना है वो हम खोलेंगे इसको लाइटरूम में, वहां पर देंगे। तो जल्दी से खोल लेते हैं वहां पर। लाइटरूम के अंदर फोटो आ चुकी है, ज़्यादा कुछ भी नहीं करूँगा, जो बताऊँगा सिंपल वो आपने करना है। यहाँ पर आपने आ जाना सबसे पहले डिटेलिंग वाले ऑप्शन में, देन यहाँ पे आपने नॉइज रिडक्शन को बढ़ा देना है 22%, और उसके बाद आपने शार्पिन को फिर बढ़ा देना है यहाँ पर 90%, ठीक है, और मास्किंग को थोड़ा सा बढ़ा देना है। फिर बराबर वाले ऑप्शन में आने के बाद आपने क्लियरिटी को बढ़ा देना है यहाँ पर 35% तक, ठीक है, और उसके बाद आपने कुछ भी नहीं करना। उसके बाद आपने आ जाना सिंपल यहाँ पर कलर वाले ऑप्शन में, कलर वाले ऑप्शन में आने के बाद आपने क्या करना है, टेम्परेचर 2% माइनस पे ले जाना है। टेम्परेचर को 2% माइनस पे ले जाने के बाद मिक्स टूल में आप आ जाओगे, जैसे बता रहा हूँ सिंपल वैसे ही आपने करना है। ऑरेंज कलर में आने के बाद इसकी ल्यूमिनस को आपने बढ़ा देना है यहाँ पर 11%, देन इसकी ह्यू को आपने 4- पे कर देना है। उसके बाद आपने आना इस कलर में, देन इस कलर में आने के बाद आपने इसकी ह्यू को थोड़ा सा माइनस पे ले जाना है 20% माइनस पे, देन इसकी सेचुरेशन को बढ़ा देना है 40 या फिर 50% प्लस पे। और कोई कलर यहाँ पर हमारा मौजूद नहीं है तो सिंपली हम कर देंगे भाई साहब डन। डन कर देने के बाद मैं आपको बताता हूँ आगे क्या करना है। डन कर देते हैं, डन कर देने के बाद आपने आना है फिर सूरज भैया में लाइट वाला ऑप्शन में, उसमें आने के बाद आपने हाइलाइट्स को फुल कम कर देना है यहाँ पर तकरीबन 75-80% माइनस पे, देन वाइट्स को आपने यहाँ पर कम करना है 43% माइनस पे, देन ब्लैक्स को कम करना है, देन शेडोज को थोड़ा सा बढ़ा देना है, देन उसके बाद आपने आना है फिर कर्व वाले ऑप्शन में, उसके बाद आपने यहाँ से बिल्कुल थोड़ा सा इसको नीचे करना है इसके अमाउंट को, ठीक है, दोबारा से बता रहा हूँ हल्का सा नीचे करना है, और फिर यहाँ से इधर से नीचे करना है ब्लैक्स वाले एरिया के लिए, और उसके बाद फिर आपने यहाँ से हल्का सा बीच वाले एरिया से इसको बढ़ा देना है, कॉन्ट्रास्ट बढ़ जाता है इससे। फिर आप डन कर दोगे, उसके बाद आपने दोबारा नीचे यहाँ पर आने के बाद इस दफा आपने शेडोज को बढ़ा देना है, शेडोज को आपने यहां पर कर देना है जैसी आपको मैंने फोटो सबसे पहले दिखाई थी, तो सेम टू सेम आपने यहां पर शेडोज को बढ़ा देना होगा 74 या 78%, और उसके बाद आपने ब्लैक्स को थोड़ा सा कम करना है यहां पर, देन उसके बाद हाइलाइट्स को भी थोड़ा सा कम करना है, और उसके बाद आपने यहाँ पर कंट्रास्ट को भी थोड़ा सा माइनस पे ले जाना है यानी 6% माइनस पे, देन ब्लैक्स को थोड़ा कम कर देना और वाइट्स को कम कर देना। तो अब मैं आपको कमाल का फ़र्क दिखा सकता हूँ, आप चेक कर लो जो मैंने आपको बताया सेम टू सेम अगर आप करो तो देखो आपके सामने बिफोर एंड आफ्टर, ओ माई गॉड व्हाट अमेजिंग लुक। तो भाई बहुत ही बढ़िया तरीके से आप ऐसी फोटो एडिट करो। आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आपने इंस्टाग्राम पे के भाई करना है फॉलो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।